मैं जरा ये चाय पी लूँ फिर स्टार्ट करती हूँ कुकिंग। ये तो मैं बना रही हूँ सेव की भाजी। इसमें सेव मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम्स, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ बघार में ज़ीरा और राई 1/2 टीस्पून, और गुल वाली लाल मिर्चें 5 की 6 आप ले ली। लाल मिर्च मैं लूँगी 1 टीस्पून, गरम मसाला मैं लूँगी 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पेस्ट नहीं है मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया है, और ये नमक है 1/2 टीस्पून। प्याज मैंने ले लिए 3 दरमियाने साइज़ के, और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और हरी मिर्च लिए हैं 5 के 6 चॉप कर दिए हैं, ये मोटी वाली है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो ऑयल ऐड करूँगी वो 1/2 कप होगा। चले जी, तो पैन मेरा ड्राई हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल, बघार में ये मैंने बता दिया राई और ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्च, ये मसाले में आप कम, इसमें मैं ऐड करी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज, जैसे हमारा जो ये प्याज है, प्याज जैसे पिंक हो जाता है तो फिर मैं ऐड करूंगी टमाटर और हरी मिर्च, और टमाटर जैसे थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो फिर मसाले ऐड करूंगी जी। तो प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, फ्रेंड्स। तो देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए, और चूल्हे की आंच को भी आपने कर देना स्लो, बहुत स्लो। और अब हम ये करेंगे कि मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए लाल मिर्ची है ना, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये एकदम भी कुटी हुई नहीं है, मतलब कुटी हुई पिसी हुई नहीं है, कुटी हुई है ठीक है, लेकिन एक कुटी भी होती ना मोटी मोटी, वो नहीं है। तो ये हल्दी, धनिया, नमक, चलिए इसको आपने स्लो पे भूनना है इसको। जी तो मसाला तकरीबन मेरा काफ़ी हद तक भून गया है, सॉफ्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेव, आप थोड़ा सा मिक्स करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2, ये ग्लास जो है इसका 1/2 ग्लास, ज़्यादा नहीं, बिकॉज अब ये दम पे पकेगा, फिर मैं ऐड करूँगी हरा मसाला इसमें और गरम मसाला, फिर ये रेडी है। चलें इसको दम पे रख लेते हैं, इसको ज़्यादा, ये बहुत सिंपल डिश है, बहुत जल्दी पकती है और बहुत मज़े की बनती है, अक्सर हम इसको बना रहे होते हैं शाम के वक्त डिनर के लिए। और इसको जी फ्रेंड्स, तो देखें कितना अच्छे से, देखें ना ये एक होता है ना सॉफ्ट, जितने मुझे चाहिए थे ये बिल्कुल उतने ही सॉफ्ट हैं, और ऐसा लग रहा जैसा आप नूडल की तरह ना। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करी, बिल्कुल रेडी है ये। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर गरम मसाला,
इसमें मैं थोड़ा सा नमक, हाफ से भी हाफ के करीब नमक ऐड करूँगी, बिकॉज थोड़ी सी नमक की ज़रूरत है, बाकी मिर्ची सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। चलिए जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो अभी आप इसको, इसके अंदर आप ऐड करेंगे हरा मसाला। चलिए, हरी मिर्च, ये दो मोटी वाली हरी मिर्च है जो मैंने इसके बीच से कट किया। बस आप एक दफा इसको मिक्स करेंगे एंड देन इट्स डन, डन टू बी सर्व्ड। चलो जी, तो बस मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये रेडी है। जी फ्रेंड्स, तो सेव की भाजी मैंने बना ली है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो ज़रूर करना है। और ये चैलेंज है तो बहुत बड़ा, लेकिन यू नो आप लोग की दुआ से मैं सक्सेस होंगी, मुझे पूरा यकीन है। तो चलें, अल्लाह हाफिज आपको, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और कई नए कंटेंट के साथ। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।